जी हाँ, लूनार इक्लिप्स एक बार फिर से हमारे भारत में दस्तक देने जा रहा है। और दोस्तों ठीक है, आपके अगले महीने 30 नवंबर 2020 को लगेगा हमारे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। तो अगर आपका भी नाम इन कैपिटल लेटर से यानी कि ASMDB किसी भी कैपिटल लेटर से आता है तो फिर इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना दोस्तों आपकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो आइए आज चंद्र ग्रहण के बारे में हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। और हमारे इस चंद्र ग्रहण के बारे में इसरो के वैज्ञानिक ने और सभी ज्योतिष शास्त्रों ने कौन सी जानकारी बताए हैं, यानी कि आज चंद्र ग्रहण के बारे में मैं आपको सारी जानकारी एकदम कांच की तरह क्लियरली समझाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी ननिस रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज के लिए और हर दिन ताजा ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए स्वाइप है ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाले चलता हूँ आपको आज की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारे होम स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अगले महीने पड़ रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जाने तिथि और इसका सही समय। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे नवंबर में पड़ रहा है हमारे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। और दोस्तों ये जो आपका चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो हमारा बहुत ही खतरनाक चंद्र ग्रहण होगा। तो चलिए इसके बारे में हमारे सभी ज्योतिष शास्त्रों ने और इसरो के वैज्ञानिकों ने कौन सी जानकारी बताए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण अगले महीने यानी कि नवंबर में पड़ने वाला है और यह ग्रहण हमारे भारत समेत कई देशों में पड़ने वाला है। और ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 30 नवंबर 2020 को होने वाला चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। और ये जो आपका चंद्र ग्रहण होगा वो हमारा एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जिसे आंख से देखा नहीं जा सकेगा। और हमारे साल 2020 का सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो हमारे 14 दिसंबर 2020 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। लेकिन हमारा अगले महीने जो ग्रहण पड़ने वाला है वो हमारा चंद्र ग्रहण होगा जो कि सूर्य ग्रहण से भी आपका खतरनाक होता है। हमारा चंद्र ग्रहण लगभग सभी राशि पर इसका असर पड़ता है। तो चलिए अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं कि किस टाइम से और किस समय तक आपका यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, चंद्र ग्रहण की तिथि और समय यानी कि दोस्तों ये जो आपका चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसकी सही समय और सटीक जानकारी यहाँ पर बता दी गई है। और दोस्तों ये जो आपका चंद्र ग्रहण लगेगा वो हमारे 30 नवंबर 2020 को दोपहर 1:04 पर लगेगा और ग्रहण का मध्य काल 30 नवंबर 2020 की दोपहर 3:13 पर होगा। और यह ग्रहण जो आपका समाप्त होगा वो हमारे 30 नवंबर 2020 को ही 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगभग 4:18 का होगा। और इस हमारे चंद्र ग्रहण के बारे में सही समय और सूतक काल की जानकारी क्या है, तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रहण का एक सूतक काल होता है जिसे ध्यान और मंत्र जाप के अलावा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन यदि ग्रहण उपछाया ग्रहण है तो कोई सूतक काल नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने पंडित या ज्योतिष से आप जानकारी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे इस आर्टिकल की मदद से यह साफ साफ क्लियर हो चुका है कि ये जो हमारा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो बिना आपके सूतक काल का लगेगा और हमारे भारत समेत एशिया, यूरोप, कई अन्य देशों में भी आपका यह चंद्र ग्रहण देखने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों आप 30 नवंबर 2020 को अपने घर से बाहर आप बिल्कुल भी मत निकलेगा और ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आप घर से बाहर निकलने दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो हमारे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। और हमारे साल का जो भी आखिरी चंद्र ग्रहण होता है वो बहुत ही खतरनाक आपका चंद्र ग्रहण होता है। इसीलिए आपके घर में कोई भी 65 साल से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति है उसे घर से बाहर निकलने मत दीजिएगा और ना ही किसी भी गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने दीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं होती है अगर वो चंद्र ग्रहण देख लेती है तो उनका सीधा असर उनके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए आप चंद्र ग्रहण के दौरान अपने गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने मत दीजिएगा। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में सारी जानकारी देनी थी जो कि आज हमारे सभी इसरो के वैज्ञानिकों ने और सभी ज्योतिष शास्त्रों ने इसके बारे में सारी जानकारी बता दिए हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद।